हेलो दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आइए हम लोग बिजनेस स्टडी का क्लास इलेवन सेट वन का स्टडी करते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेमुनरेटेड रिटर्न इज नॉन यानी क्या है क्वेश्चन में वह आर्थिक क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं रोजगार यानी इंप्लॉयमेंट कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है क्या है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका एफिशियंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुशल व्यवसायी संगठन होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स यानी तेल का जो वर्क है और चीनी का किस कैटेगरी में आते हैं तो सेकेंडरी uh, बिजनेस में आते हैं किस बिजनेस में आता है तो सिंगल सेकेंडरी बिजनेस में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर कॉमर्शियल सॉरी कॉमर्स इंक्लूड्स यानी वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है तो बिजनेस इंडस्ट्री या ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या बिजनेस एंड ट्रेड या नॉन ऑफ ट्रेडिस ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा व्यापार एवं व्यापार में सहायक क्रियाएं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइव व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस एकाकी व्यापार की विशेषताएं इनमें से क्या है तो बताइए तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सोल मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? हिंदू फैमिली बिजनेस रिकमेंडेशन के आधार पर या जन्म से ही ऑप्शन नंबर सी बायन के द्वारा या एग्रीमेंट के द्वारा तो जन्म से ही एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक बच्चा मेंबर बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन आइए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है द मिनिमम नंबर ऑफ इन अ कॉपरेटिव सोसाइटी सहायक संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है तो टेन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज मतलब संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन है तो वोलेंट्री है या नेसेसरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप सबसे अधिक स्थायी होता है तो कौन सा होता है तो स्टॉक कंपनी का का सोल का नहीं होता है ठीक है पार्टनरशिप का भी नहीं होता है हिंदू फैमिली बिजनेस का भी नहीं होता है स्टॉक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन आइए क्या है क्वेश्चन टेन में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इसका जवाब तो आप लोग हंड्रेड परसेंट सही देंगे ऑप्शन नंबर ये मिनिमम नंबर ऑफ इन प्राइवेट कंपनी में तो कितना होगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या है है बताइए होगा, तो होगा।, होगा तो सी बात कि कंपनी का जो स्टैब्लिशमेंट होगा किसके द्वारा तो भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा होगा गवर्नमेंट कंपनी का किसके द्वारा होगा तो बाय इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आइए बताइए इसका तो आप लोग जानते होंगे ज एन एक्सप्लेन या सॉरी एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल कौन है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन द स्कोप ऑफ मल्टी नेशनल मल्टी नेशनल कंपनी इज बहु राष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है लोकल है या रीजनल है या नेशनल है या इंटरनेशनल है तो आप तो इसका जानते हैं इंटरनेशनल है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज यानी भारत में वेस्वीकरण का प्रभाव किया जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इसका प्रभाव हमारे भारत पर क्या हुआ तो इंक्रीज इन फॉर सर्विस हुआ बहुत अच्छा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट यह भी हुआ इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आइए क्या है क्वेश्चन फिफ्टीन में सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एम एन सी इज एक्सरसाइज बाई बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किया जाता है ब्रांचेस द्वारा या सब्सिडीज द्वारा या फिर बाय पार्लियामेंट या हेड क्वार्टर तो किसके द्वारा हेड क्वार्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है question number 16. क्या है नंबर क्या इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका जवाब तो सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड इसका भी आप लोग जवाब जानते होंगे पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा यानी समय उपयोगिता का सृजन करता है तो ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग या उसिंग या कम्युनिकेशन तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेयर हाउसिंग ठीक है जाइए आप कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स का नहीं यूज करते हैं बड़ा दुख में की बात है बहुत दुख में की बात है बहुत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है इंटरनेट इज यूज इन इसका जवाब तो आप लोग सही देंगे क्या होगा इंटरनेट का प्रयोग होता है तो लाइब्रेरी में या यूनिवर्सिटी में या बिजनेस में या ऑल ऑफ तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा की अवधि होती है तो सबसे कम अवधि होती है अग्नि बीमा का ही यानी वन ईयर टू ईयर का भी नहीं होगा थ्री ईयर का भी नहीं होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड यानी ब्याज का सर्वाधिक दर मिलता है किस अकाउंट से तो आप जानते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से ठीक है करंट अकाउंट से नहीं मिलेगा सेविंग अकाउंट से भी नहीं मिलेगा होम सेफ अकाउंट से भी नहीं मिलेगा किस अकाउंट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी वन क्या है ई कॉमर्स हैज मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस ई कॉमर्स ने व्यवसाय के क्षेत्र को बनाया है क्या बनाया है लोकल ये तब जानेंगे इंटरनेशनल इसका आंख आंसर हो जाएगा इसका आप लोग सही करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट देखिए आप लोग अभी 2022 का एग्जाम लिख रहे हैं ठीक है तो इसमें दो टर्म में एग्जाम हो रहा है टर्म वन और टर्म टू ठीक है टर्म वन में चालीस नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है ठीक है और टर्म टू में चालीस नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जो थेटिकल है ठीक है तो आप यदि दो का यानी दो का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको इसमें से 50 परसेंट ही क्वेश्चन को पढ़नी यानी 50 परसेंट क्वेश्चन पढ़ना जितना आपका सिलेबस टाइम वन क्या है उतना ही ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं वैसे तो हम पूरा टोटल क्वेश्चन यानी पूरा सब्जेक्ट का पूरा एम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ठीक है बाकी जैसे जैसे कि नेक्स्ट टर्म में हो सकता है कि जैसे कि पिछले दो या फिर दो में जिस तरीके से पूरा सब्जेक्ट का अगर एम ही क्वेश्चन पूछा जाता था तो वहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा एम ही क्वेश्चन पढ़ा करते थे ठीक है ये प्रीवियस ईयर हम लोग का क्वेश्चन है जो सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है अगर आप इतना का तैयारी कर लेते हैं तो हंड्रेड है कि आपका जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छा होगा ठीक है तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट बच्चों के लिए टोटल क्वेश्चन आप बना दे रहे हैं ये सभी वो स्टूडेंट के लिए है अगर दो 2022 या 2023 में एग्जाम लिखते हैं या 2024 में एग्जाम लिखते हैं गवर्नमेंट का कोई भी सिलेबस पैटर्न चेंज हो सकता है उसमें तो यदि वहाँ पे फिर पिछले के जैसा पैटर्न हो जाए कि नहीं पूरा सब्जेक्ट सेम सी क्यों क्वेश्चन रहेगा तो उन सभी के लिए बेनिफिट होगा और यदि आप दो हज़ार बाईस का एग्जाम लिख रहे हैं यदि टर्म वन और टर्म टू का भी कैटेगरी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ेंगे एंड जहाँ तक सिलेबस है ठीक है सिलेबस जहाँ तक है ऐसे देखिए और वहाँ तक आप ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं यहाँ से ठीक है चलिए ऐसे सभी क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं ये आपके लिए काम में आएगा नेक्स्ट क्लास में आप क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे तो सभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पे भी आता है तो वहाँ पे भी ये काम आएगा आप इसको स्टडी कर सकते हैं कितना पंद्रह से बीस मिनट का काम है पढ़ सकते हैं चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है क्या है क्वेश्चन ई कॉमर्स मींस क्या है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉमर्स है या इकोनॉमिक कॉमर्स है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका जवाब सी नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ट्वेंटी थ्री नंबर आइए क्या है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस यानी उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व तो होता है क्या होता है तो बताइए टूवर्स इंप्लॉई यानी कर्मचारियों के प्रति या टूवर्स कंज्यूमर उपभोक्ताओं के प्रति या टूवर्ड्स गवर्नमेंट तो ये सब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा सभी के प्रति एक उद्यमी का उत्तरदायित्व तो है सभी के प्रति चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड मानव जीवन का बीमा निम्नलिखित में से किस में होता है थी? इसका तो आप लोग जवाब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस में है ना ये तो बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं मम्मी पापा भी कराए होंगे लाइफ इंश्योरेंस एल आई सी ना एल आई सी तो किसके घर में एल आई सी नहीं है आज के समय में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्या है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव रहा है विच इज नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्स इन्वेस्टर यानी व्यवसायी का निवेशकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निम्न में से कौन सा निम्न में, में से कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है बताइए कौन सा नहीं है तो पहला है पूंजी का सुरक्षा प्रदान करना ये तो होना चाहिए उचित होना चाहिए होना चाहिए उचित पारिश्रमिक ये तो उसका सॉरी मतलब इन्वेस्टर को सैलरी थोड़ी ना मिलता है ठीक है तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा